कोरोना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एक वायरस है, जैसे जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, उसी तरीके से ये एक कोरोना वायरस है। अगर मानव केवल इतनी जांच बात को समझ जाए कि नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार को बिना दवाई के कैसे ठीक करना है, उसको दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। फोर स्टेप्स बताएंगे, उन फोर स्टेप्स के मुताबिक आप चलो, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। सब दिखाने को तैयार हैं कि ये साइंस हमारे पास उपलब्ध है और बिना दवाई के ठीक लोगों को किया जा सकता है। पुरानी बीमारियां जिनको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि बिना दवाइयों के ठीक नहीं हो सकती, उनको प्रमाणित कर रहे हैं कि वो ठीक हो सकती हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम जुड़े हुए हैं आचार्य मोहन गुप्ता जी से, जो कि नेचुरोपैथी में ग्रेजुएट हैं। आचार्य मोहन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। आचार्य जी, आजकल कोरोना बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप कोरोना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए वंदना जी, हमने लगभग 21 फरवरी को बहुत तीन महीने पहले ही एक वीडियो YouTube पे डाला था, जिसमें हमने कोरोना की पूरी साइंस समझाई थी, और उसके बाद भी हमने दो वीडियो और भी समय समय पर दिए हैं, और उसमें हमने पहले ही बता दिया था कि ये एक वायरस है, जैसे जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, उसी तरीके से ये एक कोरोना वायरस है। ये वर्षों पहले तक का है, कोई नया वायरस नहीं है, और हम सब लोगों को कितनी बार आ चुका है और कितनी बार जा चुका है और हमें मालूम नहीं है। आज सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि हमें इसको टेस्ट करने के लिए एक मशीन उपलब्ध हो गई है, एक जांच, एक साइंस उपलब्ध हो गई है, जिससे हमें ये पता चल गया कि इसका नाम कोरोना वायरस है। तो इससे घबराने की कोई बात ही नहीं है। हमारी बॉडी की पूरी साइंस है कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई गलत चीज़ जाती है, जैसे हमारे घर के अंदर कोई गलत व्यक्ति आता है, तो घर का मालिक पहले उसको पहचानता है कि मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो घर में बिठा लेगा, अगर बुरा है तो अपनी पूरी ताकत लगा के उसको बाहर निकाल देगा। ठीक ऐसे ही जब शरीर के अंदर कोई भी वायरस जाता है, शरीर उसको पहचानता है। जैसे ही वो शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा अंदर जाता है, अंदर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ टकराता है, वहां पर इन्फेक्शन पैदा करता है, तो शरीर उसको उस इन्फेक्शन को मेल्ट करके जुकाम के द्वारा पानी जैसा बना के बाहर फेंकने का प्रयास करता है, ताकि आसानी से बाहर फेंका जा सके। मानव गलती ये करता है कि उस जो जुकाम बाहर निकल रहा है उसको अंदर दबाने के लिए दवाई खा लेता है। पहली गलती, दो तरह की गलतियां मानव से होती हैं। पहली गलती है कि वो दवाई द्वारा उस जुकाम को अंदर बंद करने का प्रयास करता है। दूसरी गलती मानव ये करता है कि वो अपना खाना, दाल रोटी चावल वगैरह खाता है। तो होता क्या है कि जैसे हमारे घर के अंदर कुछ गलत लोग आ जाएं, तो घर का मालिक उसको बाहर निकालेगा, ना कि खाना खाने बैठ जाएगा। खाना तो वो बाद में शांति से खाएगा जब वो बाहर चला जाएगा। शरीर के अंदर जब कोई वायरस आ जाता है, शरीर की भूख को कुदरत के द्वारा, हमारे शरीर के अंदर जो लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक जो हमारा शरीर चलता है, लॉज ऑफ नेचर कहते हैं कि शरीर हमारी भूख को मार देता है नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार की अवस्था में। अगर आप गाय भैंस कुत्ता बिल्ली को देखें, वो बीमार होने के बाद अपना भोजन छोड़ देते हैं। कोई भी पशु पक्षी बीमार होने के बाद अपना भोजन नहीं लेते हैं। इससे बड़ी कोई लैब, इससे बड़ा कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता जो हम आपको बता रहे हैं। तो मानव गलती ये करता है कि वो पहले तो दाल चावल रोटी खाता है, उससे भी जुकाम अंदर दब जाता है, और फिर वो दवाई खाता है, उससे भी अंदर दब जाता है, फिर वो जो जुकाम बाहर गिर रहा था वहां से रुक जाता है और वो अंदर गिरना शुरू हो जाता है। जब वो अंदर गिरना शुरू होता है तो थ्रोट इन्फेक्शन होती है। जब थ्रोट इन्फेक्शन होती है तो शरीर कहता है कि ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, तो शरीर खांसी के माध्यम से उस वायरस को बाहर फेंकने का प्रयास करता है, क्योंकि जुकाम से तो बंद कर दिया हमने। फिर मानव एंटीबायोटिक्स खाता है, तो जब एंटीबायोटिक्स खाता है तो वो जो इन्फेक्शन तब के लंग्स तक चली जाती है, और फिर शरीर उसको बुखार चढ़ा देता है।
पहले दिन हमें जुकाम होता है, दूसरे दिन गला खराब होता है, तीसरे दिन खांसी होती है, चौथे दिन बुखार होता है। तो बुखार इसलिए होता है कि अगर हमारे घर के अंदर कुछ गंदगी है, हम घर की सफाई के लिए पानी से सफाई कर सकते हैं, हम झाड़ू पोछे के सफाई कर सकते हैं, हम धूप लगवा के सफाई कर सकते हैं, हम वायु के द्वारा सफाई कर सकते हैं। लेकिन जब शरीर के सारे साधन खत्म हो जाते हैं, हमारे घर के अंदर कोई ऐसी गंदगी हो सकती है कि हम सोचें इसको तो आग लगानी पड़ेगी। यही शरीर हमारे टेम्परेचर को बढ़ा देता है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ताकि उन टॉक्सिन को जला दिया जाए और जला के नष्ट कर दिया जाए। तो मानव फिर पैरासिटामोल लेता है, ताकि वो जो शरीर को बुखार चढ़ाया कुदरत ने, उसको जब हम एंटीपैराटिक दवाई खा के अंदर दबा देते हैं तो वो फिर बुखार बिगड़ जाता है। और जब वो बुखार बिगड़ता है फिर वही टाइफाइड बनता है और वही निमोनिया बनता है और वही डेंगू बनता है, वही चिकनगुनिया बनता है, उससे बड़ी बड़ी बीमारियां लगती हैं। जुकाम से कैंसर तक एक ही बीमारी है कि मानव को नल्ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार को बिना दवाई के ठीक करना नहीं आता, जो पहले के मानव को आता था जब दवाइयां नहीं होती थी और जो पशु पक्षियों को आज भी आता है। अगर मानव केवल इतनी बात को समझ जाए कि नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार को बिना दवाई के कैसे ठीक करना है, उसको दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो अब क्या करना है, अगर हम ये दो तरह की गलतियां ना करें तो हमारा वायरस बड़े आराम से नजला जुकाम उल्टी दस्त बुखार और जहाँ कोरोना वायरस ठीक हो सकता है। और हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है, अनेकों लोग हमारे से ठीक हो रहे हैं, लाखों हमारे फॉलोअर्स हैं और 150 साल पुराना हमारा इतिहास है, हम कोई ऐसे तो बात कह नहीं। जी, आपने बताया कि बिना दवाई के सब कुछ ठीक हो सकता है, तो आचार्य जी आप डिवाइन साइंस के परफेक्ट माने जाते हैं, तो आप ये बताइए कि डिवाइन साइंस क्या है? डिवाइन साइंस जो है ये लॉज ऑफ नेचर पे आधारित है, लॉ ऑफ वाइटल इकोनॉमी एंड नॉन वायलेंस, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जिसको हम पूरे अपने कोर्सेज के दौरान में समझाते हैं। डिवाइन साइंस ये है कि ह्यूमन बॉडी इज सेल्फ क्योरिंग, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग, फुली एयर कंडीशनड ऑटोमेटिक मशीन है। गाड़ी अपने आप छोटे से बड़ी नहीं हो सकती, गाड़ी अपने जैसी दूसरी गाड़ी पैदा नहीं कर सकती, गाड़ी के अंदर अगर कोई खराबी आ जाए तो अपने आप ठीक नहीं कर सकती। शरीर अपने आप छोटे से बड़ा होता है, शरीर अपने जैसे दूसरे शरीर पैदा कर देता है बिना किसी दवाई के, और शरीर के अंदर अगर कोई रोग आ जाए तो शरीर उसको बिना दवाई के ठीक कर सकता है। जैसे दो बातें पहले की सत्य हैं, ऐसे तीसरी बात भी सत्य है और डंके की चोट पर सत्य है। जरा सोचिए, अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाए हम सोचते हैं कंपनी वालों को दिखा लो, जो पुर्जा, जो प्रोडक्ट, जो मशीन, जो गाड़ी जिस फैक्ट्री में बनी है उस निर्माता से बढ़िया उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। गाड़ी खराब हो जाए तो निर्माता के पास जाते हैं, शरीर बीमार हो जाए तो दवाइयां खाते हैं और हमारे अंदर वाले निर्माता को भूल जाते हैं। हमारे शरीर की वो डिवाइन पावर जो नए शरीर बना देती है बिना किसी दवाई के, अब इसके अंदर कोई रोग आ जाए उसको ठीक नहीं कर सकते, ये है डिवाइन साइंस जी। अगर मानव को ये डिवाइन साइंस समझ में लग जाए, मेरी इतनी बात सुनने के बाद अगर मैं कुछ भी ना बोलूं तो मानव को अपने आप सोचने की जरूरत है कि बिना दवाइयों के हम ठीक हो सकते हैं या नहीं ठीक हो सकते। बाबा रामदेव ने दवाई निकाल दी है, आयुर्वेदिक दवाई निकाली है जो कि बहुत पुरानी उनके पास में थी, तो उन्होंने इतनी देर से बताई, तो क्या वो अब तक सोए हुए क्यों थे? और इन दवाइयों के बारे में आप सभी को पता था, आप सब ने क्यों नहीं बताया? देखिए वंदना जी, बाबा रामदेव बहुत अच्छा काम उन्होंने समाज के लिए किया है, योगासन प्राणायाम के बारे में जितना उसने पूरे विश्व को जागृत किया है उसका कोई जवाब नहीं, और ऐसा आज तक कोई कर नहीं पाया जितना उसने भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को दी है। मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहूँगा। मेरी अपनी बात ये है कि हम सोए नहीं रहे, जैसे ही कोरोना आया हमने में अंदर ही लगभग 21 फरवरी को अपना एक वीडियो यूट्यूब पे डाला और उसके अंदर पूरी साइंस समझाई कि कोरोना को ठीक करने के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर के अंदर पावर है। आप अपना कुछ हम आपको 4 स्टेप्स बताएंगे, उन 4 स्टेप्स के मुताबिक आप चलो, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। तो हमने इसके लिए
हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ट्वीट किया और मेल भेजी और ICMR को भी भेजी, MHRD को भी भेजी और WHO को भी भेजी, YouTube पे वीडियोस भी दिए। तो हमारे जितने सोर्सेस है वो सब हमने किया, हमारे और से प्रयासों में कोई कमी नहीं है। हमारे वीडियो सेशन, जूम, अलग अलग वेबिनार हम दे रहे हैं, पूरे लॉकडाउन में हमने प्रोग्राम करे हैं और हजारों लोग हमारे प्रोग्रामों में आते हैं और इससे लाभ लेते हैं। हमने हेल्थ मिनिस्टर को भी लिखा, दिल्ली हेल्थ, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, सभी जगह हमने जितने हमारे सोर्सेज थे पूरी दौड़ लगाई। लेकिन मैं इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं कि फिर हमारे ये सुनवाई क्यों नहीं हुई, वो तो मेरे को नहीं मालूम। मतलब सरकार ने अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं करी, ऐसे ही डॉक्टर विश्वरूप भी कर रहे हैं, आप सभी एक मंच पे क्यों नहीं इकट्ठा होते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम अलग अलग हैं, हम तो एक हैं और हमारे आपस में कोई मतभेद भी नहीं है और उनसे हमारी बराबर बातें भी होती हैं और हम विश्वरूप चौधरी जी को भी बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं कि वो जो कर रहे हैं मानवता के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और जितना खुले दिल से वो बोलते हैं और जितना खुल के बात वो बोलते हैं तो वो उनकी हिम्मत है और हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम सब मिलके चलेंगे और मिलके चल रहे हैं, हमारे अंदर कोई भी बात नहीं। आप सरकार से एक बार फिर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से, हमने सरकार को ये भी बोला कि हमारे 20 मेंबर क्वारंटाइन में जाके अब अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं और ये सब दिखाने को तैयार हैं कि ये साइंस हमारे पास उपलब्ध है और बिना दवाई के ठीक लोगों को किया जा सकता है। और हमने ये भी लिखा उसके अंदर कि हमारी टीम के अंदर जो 20 लोग जाएंगे उनके अंदर एलोपैथिक डॉक्टर्स भी शामिल हैं और जो कि हमारे पूरे प्रोग्राम को साथ में हमारे रहेंगे। तो हम तो अब भी यही कहने को तैयार हैं कि हमें सेवा का मौका दिया जाए तो हम ये सब दिखाने के लिए तैयार हैं। और इसका एक बहुत बढ़िया सुंदर प्रमाण मेरे पास है मैडम, अभी तक अगर क्रॉनिक डिजीज के बारे में आप गूगल पे डाल दें कि क्रॉनिक डिजीज का कोई इलाज है तो गूगल बोलता है कि क्रॉनिक डिजीज का कोई इलाज नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, थायराइड है और आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एस्थमा, ऐसी और बहुत सारी बीमारियां जिनके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहती है कि इनका ना ही कोई इलाज है और इसके लिए लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। मेरे पास लगभग 5,000 लोगों का एक डाटा है जिसके अंदर उनके फोन नंबर, एड्रेस, साइन है और एलोपैथिक डॉक्टर के द्वारा सैंपल लगाके साइन किए हुए हैं। उन लोगों ने हमारे फोर्टेज रेजिडेंशियल कैंप होते हैं उसमें 4 दिन रहे, विद इन 4 डेज 90% लोगों की दवाइयाँ बंद करा के, डायबिटीज की दवाइयाँ बंद करा के, इंसुलिन बंद करा के, एलोपैथिक डॉक्टर के टीम के साथ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद करा के वो नॉर्मल करके हमने भेज दिया 90% लोगों को। उसमें लगभग हमने 80% लोगों की दवाइयाँ बंद करा दी, इंसुलिन बंद करा दी, 10% लोगों की टेपर ऑफ कर दी, उसकी डोज कम कर दी और इस तरीके से हमारे रिजल्ट आते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम ऐसी पुरानी बीमारियां जिनको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि बिना दवाइयों के ठीक नहीं हो सकती, उनको प्रमाणित कर रहे हैं कि वो ठीक हो सकती हैं। 5,000 लोग हमारे बिल्कुल साइन किए हुए, हमारे पास पूरा डाटा है। तो फिर एक ऐसी बीमारी जिसके लिए अभी ना कोई वैक्सीनेशन है ना कोई दवाई है तो वो बिना दवाई के ठीक होने के लिए क्यों नहीं माना जा सकता? उसके लिए भी तो मौका देना चाहिए जब पुरानी बीमारी ठीक कर सकते हैं। आचार्य जी, जब किसी को कोरोना हो जाए तो क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसे ही किसी को कोरोना हो जाता है तो सबसे पहले इसकी साइंस हम क्या करते हैं कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो तो डरते ही नहीं है, उनको क्लियर है कि हमने क्या करना है। जो नए लोग हमारे संपर्क में आते हैं सबसे पहले उनकी हम काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग अगर किसी को ये पता चल जाए कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, 50% इम्यूनिटी तो उसको ये पता चलने से ही डाउन हो जाती है भले उसकी रिपोर्ट गलत हो। तो हम सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करके उसको उसकी साइंस क्लियर करते हैं कि कोरोना क्या चीज़ है, इसको इसके होने से क्या हो सकता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है।
तो कोरोना का डर उसके मन में से निकाल देते हैं, उसकी काउंसलिंग कर फिर उसके अंदर हम उसको ये साइन समझाते हैं कि जैसे ही कोरोना होता है वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है, कुदरत हमारी भूख को मार दी जाती है देती है, इस अवस्था में आपने कुछ खाना नहीं, फिर क्या करना है उसके लिए फोर स्टेप्स हैं। वो फोर स्टेप्स आपको अभी हमारे साथ हमारे पूजा मैडम जी हैं, ये आप फोर स्टेप्स समझाते हैं और हमारे सभी जो आप भी इसके बारे में जानते हैं। पूजा जी फोर स्टेप्स बताइए कौन से हैं वो। देखिए कोरोना को ठीक करना उतना ही आसान है जितना किसी भी हीलिंग क्राइस को ठीक करना है, किसी भी फास्ट डिजीज यानी कि सर्दी जुकाम बुखार को ठीक करना है। और कोरोना आता है तो भी यही सिम्टम्स होते हैं, या तो गला खराब होता है या जुकाम होता है या बुखार होता है। तो आइए बहुत सिंपल चार स्टेप्स में हम समझ लेते हैं कि इनको कैसे ठीक करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको NLS के नेचुरल लाइफस्टाइल के वाइट चार्ट को फॉलो करना है। नेचुरल लाइफस्टाइल का वाइट चार्ट क्या है कि आपको कुछ खाना नहीं है, रसाहार को फॉलो करना है, लिक्विड डाइट को फॉलो करना है। लिक्विड डाइट में आप नारियल पानी लीजिए या सफेद पेठे का जूस लीजिए या मौसम की कच्ची सब्जियों का जूस लीजिए। 3-3 घंटे में इनमें से कोई भी एक लिक्विड अपनी भूख के मुताबिक लेते रहिए। ऐसा 3-4 दिन करना है। 3-4 दिन करने से ही हमारा ये एक्सपीरियंस है कि सारा कुछ जो भी आपको जुकाम वगैरह होता है वो ठीक हो जाता है। पंजाब की एक कहावत है, सर जुकाम पावना, 3 दिन खाने को ना दो तो वापस नहीं आओ। सर यानी बुखार, जुकाम यानी वायरस, पावना यानी मेहमान। जुकाम को, बुखार को और मेहमान को अगर 3 दिन तक कुछ खाने के लिए ना दिया जाए तो फिर वो वापस नहीं आते। ये कहावत हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई है। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने महान हेल्थ साइंटिस्ट थे। उनको मालूम था ऐसा करने से बुखार ठीक हो जाए, और जब तक दवाइयां नहीं थी मानव ऐसा ही करता था। ऐसा ही हमें आज करना है, तो 3 दिन के लिए वाइट चार्ट रसाहार को फॉलो करना है। दूसरा स्टेप, हमें पेट के ऊपर पट्टी लगानी है। हमारी एक पट्टी है, उसको घर पर भी बड़ी आसानी से तैयार किया जा सकता है। वो पट्टी क्या है, 2.5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, कोई भी कॉटन कपड़ा ले लीजिए, जैसे खादी होती है ना, हाथ की बुनी हुई खादी ऐसा कपड़ा, सिंगल बेड की चद्दर जैसा कपड़ा, उसको पानी में भिगोकर निचोड़कर 4 तह लगा लीजिए, जैसे हम ये दुपट्टे को तह लगाते हैं। इसको तह लगा के और पेट के चारों तरफ लपेट लीजिए, निवल को नाभि को सेंटर मान के पेट के ऊपर पट्टी लपेट लीजिए। दिन में 4 बार ये पट्टी को पेट के ऊपर लपेटना है। इसकी साइंस ये है कि जैसे ही हम पेट के ऊपर पट्टी लपेटते हैं हमारे जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पेट की तरफ है। हमारे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं, हमारी पेनक्रियाज, लिवर, हमारी किडनीज, सारा कुछ पेट की तरफ है, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है घी पट्टी लगाने से। और वहाँ जो भी गंदगी पड़ी है, जैसे कि गैस बनी हुई है, कॉन्स्टिपेशन है, वो सब ठीक होने लग जाती है। जैसे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स में मिट्टी की पट्टी लगाई जाती है ना, ऐसे ये कपड़े की पट्टी है। मिट्टी की पट्टी को तो घर पे लगाना संभव ही नहीं है, इस पट्टी को घर पे हम आराम से लगा सकते हैं। इस तरीके की पट्टी, ये पट्टी है, इसको आपने इसी तरीके से 4 तह लगाना है, भिगोकर निचोड़कर नाभि को अपनी नेवल के ऊपर से शुरू करके और रैप कर लेना है। ऐसी 2 छोटी पट्टियां ले लीजिए इस तरीके की, और उसको अगर गला खराब है तो गले पे लपेट लीजिए पानी में भिगोकर निचोड़कर ऐसे। और अगर बुखार है जी, पूजा जी पानी कैसा होना चाहिए, ठंडा या गरम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। रूम टेम्परेचर पानी होना चाहिए। फ्रिज का ठंडा बिल्कुल भी नहीं लेना, आप मटकी या सुराही का ले सकते हैं, और पानी को गर्म तो करना ही नहीं है। और अगर आपको सिर में दर्द है या बुखार है तो ये ऐसे भिगोकर निचोड़कर माथे पे, आप तीनों पट्टियों को एक साथ लगाएंगे, आप देखेंगे आपका बुखार एकदम नीचे आ जाएगा, गले की खराश ठीक हो जाएगी, गले में आराम आ जाएगा। ये दूसरा स्टेप, दिन में 4 बार ये पट्टी लगा लीजिए। तीसरा स्टेप, आप नेचुरल लाइफस्टाइल के नॉन वॉयलेंट एनिमा का इस्तेमाल करें। हमें कोई भी बुखार, खांसी, जुकाम क्यों आता है, क्योंकि शरीर अंदर से गंदा है, तो
ये एनीमा है हमारे पास, ये आपको मदद करता है शरीर में से गंदगी को बाहर निकालने का। इसका नाम ही नॉन वायलेंट एनीमा है। इसमें आप 150 ml तक पानी भरिए, थोड़े से पानी को पाइप में से बाहर निकाल के इसके ऊपर ऑयल लगा के और NS पे इंसर्ट कर लीजिए। आपका ये पानी अंदर चला जाएगा, 10 मिनट तक पानी को होल्ड करिए, फ्रेश होने चले जाइए, आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही सारी बीमारियां लगती हैं। जहां गंदगी है वही कोई वायरस आएगा, जब गंदगी बाहर निकल जाएगी तो वायरस भी बाहर निकल जाएगा। ये तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप सूर्य स्नान, सन बेदिंग। सूर्य की जो रोशनी है, जो गर्मी है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो अनाज में पड़े हुए कीड़े को साफ कर देती है। किचन में जहां जहां धूप लगती है वहां गंदगी कुछ भी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है। कपड़ों को हम धूप लगाते हैं क्योंकि वो ऐसा करने से शुद्ध साफ हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही शरीर को धूप लगानी है। सुबह सुबह की कच्ची धूप जब सूर्य उदय होता है उससे 1 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करनी है कि शरीर के कपड़े हटा के सीधी धूप लग सके। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जैसे सूती कपड़े पहन के, कॉटन कपड़े, ढीले डाले कपड़े पहन के आप धूप लगा लीजिए 10-15 मिनट के लिए। जैसे ही शरीर हल्का गर्म हो जाए, थोड़ा बहुत पसीना सा आने लग जाए, गर्मी महसूस होने लग जाए, धूप को छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा है सूर्य उदय के समय ही ऐसा करें। अगर तब ना कर पाए तो सूर्यास्त के समय कर ले और 10-15 मिनट के लिए कर ले। ये 4 स्टेप्स फॉलो करने से आप देखेंगे आपका कोई भी नजला, जुकाम, बुखार या वॉमिटिंग या लूज मोशन या कोरोना कुछ भी हो, विद इन 3-4 डेज आपको बिल्कुल रिलीफ आ जाएगा। फिर आप धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल टाइप पे जा सकते। पूजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। थैंक यू आचार्य जी। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि वो किसी भी पैनिक में ना आए, बिल्कुल भी डरे ना। जब भी नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार आए, हमारे पूर्वज हेल्थ साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो बात कही, जर जुकाम पावना, 3 दिन खाने को ना दो तो वापिस नहीं आवना। हमारी इतनी रिच संस्कृति, इतना अमीर हम सब लोग और इतनी हमारी बढ़िया साइंस, हम तो अंग्रेजों की तरफ वैक्सीनेशन की इंतजार करने लग गए। तो हमें भारत जगतगुरु था, भारत जगतगुरु है, भारत जगतगुरु रहेगा। तो भारत ने ही लीड करना है आने वाले समय में। जैसे जैसे ये इस तरीके से हम वायरस को अंदर दवाइयां खा खा के दबाते रहेंगे, नई नई बीमारियां आती रहेंगी। हाई ब्लड प्रेशर को, शुगर को दवाइयां खा खा के अंदर दबाया जाता है, और जब व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाता है या किडनी फेल हो जाती है तो कहा जाता है ब्लड प्रेशर दवाई दी जा रही है नॉर्मल है, शुगर दवाई के साथ नॉर्मल है, ये जो हार्ट अटैक आ गया या किडनी फेल हो गई ये नया रोग आ गया। हम कहते हैं ये नया रोग नहीं है, पहले वाले रोग को वर्षों तक अंदर दबा के रखा है, उसी का बिगड़ा हुआ रूप है। तो हम समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो भारतीय संस्कृति की, भारतीय पद्धति की साइंस को समझें, जाने, और ऐसी साइंस को जाने कि जिसमें किसी दवाई की जरूरत ही नहीं है और हम बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं। 84 लाख जीव जंतु में केवल मानव ही इस पृथ्वी पे ऐसा प्राणी है जो बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाता है और दवाई खाता है। केवल इसी युग का, दवाइयां जब से आई है इसी युग का मानव बीमार है। पहले का मानव भी बीमार नहीं था, जन्म के समय हम भी बीमार पैदा नहीं हुए, पहले 10-15 साल तक हम भी पूरी तरह स्वस्थ रहे हैं। हमें सारी बीमारियां जो लगी हैं वो बचपन के बाद ही लगी हैं। पिछले समय का प्राणी भी बीमार नहीं था। 84 लाख जीव जंतुओं में केवल मानव बीमार है। जिस दिन मानव को ये बात समझ में लग गई कि सारी बीमारियों का कारण मॉडर्न जो हम दवाइयां खा रहे हैं यही है, और दवाइयां रोगों को अंदर दबाती हैं, ठीक नहीं करती, उस दिन मानव जाग जाएगा। और हम मानव को जगाने में लगे हुए हैं। 150 साल पुराना हमारा इतिहास है। मेरे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शिवशात्री स्वामीनाथन जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। 65 वर्ष तक उन्होंने समाज की सेवा की। उनका ये संदेश था कि मेरा कोई भी शिष्य इसको प्रोफेशन नहीं बनाएगा, इसमें से पैसा नहीं कमाएगा, वो समाज के लिए निष्काम सेवा भाव से काम करेगा, अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करेगा। तो हम उस सेवा में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है, 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, और समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि वो इस डिवाइन साइंस को फॉलो करें,
और माँ प्रकृति की शरण में आए और भटके ना, हम विदेशी माँ की ना सुने, अपने घर की माँ की सुने। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े। थैंक यू मैडम, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपके माध्यम से। मैं अपना जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का विजन है डिजीज फ्री वर्ल्ड, तो वो लोगों तक पहुंचाने में अपनी आवाज सफल हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।